हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सी टी ऑफ डेली वर्कशीट वर्कशीट नंबर सेवन एंड इट इज ओनली फॉर क्लास एट स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम ऐसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें बोथ साइड्स यानी कि दोनों साइड्स पर वेरिएबल्स होते हैं सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी वी नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड सो स्टूडेंट्स आपको तो याद है कि लास्ट वर्कशीट में हमने ऐसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन एक ही साइड पर था जस्ट लाइक like टू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर तो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड अब हम ऐसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें कि लीनियर एक्सप्रेशन दोनों साइड पर होंगे यानी एल एच एस पर भी और आर एच एस पर भी सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स अब आप देखो कि इसमें एल एच एस पर भी एक्स वाला लीनियर एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड पर भी वेरिएबल वाला लीनियर एक्सप्रेशन है हमें क्या करना है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना है माइंडिड वेरिएबल इज देअर ऑन बोथ साइड्स प्लेस इट ऑन लेफ्ट साइड यानि हमें जो एक्स वाले एक्सप्रेशन हैं उनको एल एच एस पर रखना है लेफ्ट साइड पर और जो विदाउट एक्स वाले नंबर्स हैं उनको राइट साइड पर लेके जाना है लेकिन जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो हमारे साइन भी चेंज हो जाते हैं साइड चेंज साइन चेंज याद रखना सॉल्यूशन क्या होगा इसका देखिए पहले तो हमें इक्वेशन को सेम एज इट इज लिखना होता है थ्री एक्स माइनस फोर टू एक्स माइनस फाइव अब इन्होंने जैसे कराया है मैं वैसे नहीं करा रहा आपको मेरा अपना अलग तरीका है आप उसको देखिएगा देखिए जब इस इक्वेशन को लिख दिया हमने मैं एक बार यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ आपको लगेगा कि जो मैं करा रहा हूँ वो ज़्यादा ईजी है थ्री एक्स माइनस फोर टू एक्स माइनस फाइव एक्स एक्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है और विदाउट एक्स को राइट हैंड साइड पर तो जब हम साइड चेंज करेंगे जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता दैट मीन्स प्लस का साइन है तो वो सामने जाके माइनस का बन जाएगा थ्री एक्स तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये प्लस का टू एक्स सामने जाके क्या होगा माइनस का टू एक्स अब फाइव तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा लेकिन ये माइनस का फोर सामने जाके प्लस फोर बन जाएगा ओके थ्री एक्स माइनस टू एक्स वन एक्स और माइनस फाइव प्लस फोर ये तो हमने बहुत पहले सीखा था जब ऑपोजिट साइन होता है तो माइनस होता है लेकिन साइन उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है तो माइनस तो होगा वन तो आएगा और क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस आ जाएगा तो वन एक्स मीन्स वन एक्स ही होता है एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन दिस इज़ योर आंसर है ना सिंपल अभी हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको सीखेंगे सो लेट्स सी देन सॉल्व द इक्वेशन मैं आपको यही साइड में करके दिखा रहा हूं उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो मैं अलग से शीट पे करवाऊंगा जैसे अब यहां पर देखिए 14 माइनस टू एक्स प्लस टू लेकिन ये 2x एक्स प्लस टू ब्रैकेट में है और इसी तरह से सामने 2 ब्रैकेट में x प्लस टू प्लस फोर याद रखना जब भी पहले तो हम एज इट इज अपनी इक्वेशन को लिखेंगे जो लिखा हुआ है हमारे पास अब हमें क्या करना है हमेशा ब्रैकेट को ओपन करना होता है और जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब देखिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ या इसको हम वाइट वाली शीट पर करते हैं सो so, देखो अब कैसे करना है इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन यानी कि ये प्लस का है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे ये माइनस के बन जाएंगे यहाँ बन जाएगा आप ऐसे जरूर लगा दिया करो इक्वल्स टू का साइन माइनस टू एक्स ब्रैकेट खुल रहा है और ये माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि जब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन पर सारे साइन चेंज हो जाएंगे सामने इस टू को हमें एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है और इस टू को हमें फोर से भी मल्टीप्लाई करना है तो टू मल्टीप्लाई बाय एक्स टू एक्स और टू टू जार फोर लेकिन बीच में प्लस का साइन लगाना है क्योंकि लगा हुआ है प्लस फोर एक्स अब मैंने आपको बताया था एक्स वाले नंबर्स को एक तरफ रखना है हमें तो यहाँ तो रह जाएगा माइनस टू एक्स सामने से आएगा प्लस का टू एक्स ये भी माइनस का बन जाएगा और ये जो प्लस का फोर एक्स है ये भी माइनस का बन जाएगा अब यहाँ पर रह गया ऑलरेडी हमारे पास फोर ये प्लस का फोर्टीन सामने जाएगा माइनस फोर्टीन बन जाएगा और ये माइनस का टू सामने जाएगा ये प्लस का बन जाएगा साइन चेंज हो जाते हैं माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है अब फोर प्लस टू सिक्स माइनस फोर्टीन इतना स्टेप हो गया अब माइनस माइनस फिर दोबारा प्लस एट एक्स हो जाएगा अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ऑपोजिट साइन है होगा माइनस लेकिन साइन आंसर में किसका लगेगा जो नंबर बड़ा है तो माइनस होकर एट आएगा लेकिन माइनस का एट आएगा क्योंकि फोर्टीन बड़ा है अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये सामने चला जाएगा माइनस एट माइनस एट माइनस से माइनस साइन कैंसिल और एट बाई एट इज इक्वल टू वन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी एक्स की वैल्यू आ गई वन नाउ एग्जांपल नंबर थ्री सॉल्व द इक्वेशन फोर एक्स प्लस थ्री 2, टू वन बाय टू एक्स माइनस फाइव फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स अब मैं इसको आपको करा रहा हूं कैसे करना है वो आप देखिए सो हेयर इज हेयर इज इक्वेशन देखो ये हमारा क्वेश्चन है फोर एक्स प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस फाइव एक्स एक्स को लेफ्ट साइड पर फोर एक्स यहीं पे रहेगा ये सामने जाके माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का ये भी सामने माइनस बन जाएगा तो माइनस थ्री बाई टू इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी अब हमें क्या करना है ये तो फ्रैक्शन वाला नंबर है ये विदाउट फ्रैक्शन है तो इसके नीचे बाय वन अपने आप से हम लगा सकते हैं ये हमने पहले ही सीखा है अब हमें क्या करना है इनका एलसीएम निकालना है वन और टू का एल्सियम निकालेंगे तो टू ही आएगा अब आपको याद है ना कैसे करते हैं पहले हमें टू को वन से डिवाइड करना है तो कितना आंसर आएगा टू आएगा जितना आंसर आता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एट एक्स अब इसी तरह से टू को टू से डिवाइड किया वन आया तो ऊपर हमें वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दैट मीन्स वन एक्स ओके अब इसमें भी एलसीएम लोगे टू आया वन को टू से डिवाइड किया वो सॉरी टू को वन से डिवाइड किया टू आया अब टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ये बन गया माइनस टेन अब टू को टू से डिवाइड किया वन आया मल्टीप्लाई किया वन से तो माइनस थ्री इस तरह से हमें इसको करना है ठीक है अब एट एक्स माइनस वन एक्स सेवन एक्स बाय टू और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है टू अब जब x की वैल्यू निकालते हैं बेटा तो माइनस थर्टीन बाई टू अब ये हम इधर जब जाएगा डिवाइड का बनेगा लेकिन हम साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का और इसको हम उल्टा कर देंगे टू बाय सेवन कर देंगे तो अब देखो टू से टू कैंसिल हो गया और माइनस थर्टीन बाय सेवन इज योर आंसर है आसान तरीका सो लेट्स ट्राई दी सम्स अब जो सम्स हमें यहां लिखे हुए हैं इन्हें हमें सॉल्व करके देखना है मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा आप इसको जरूर देखिएगा सो फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस एट वही मैंने आपको बताया था एक्स एक्स को लेफ्ट साइड पर विदाउट एक्स को राइट right साइड पर जब ये प्लस का टू एक्स सामने जाएगा तो माइनस का बन जाएगा तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स और ये प्लस का फाइव जब सामने जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा एट माइनस फाइव हो जाएगा तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स यानी कि वन एक्स मतलब एक्स ए की बा, बात है और एट माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री तो एक्स की वैल्यू थ्री इज योर आंसर केंड क्वेश्चन माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सिक्स अब आप देखिए करना क्या है हमें एक्स एक्स को एक तरफ रखना है तो माइनस फोर एक्स तो इधर ही रहेगा सामने ये प्लस का थ्री एक्स जाएगा तो माइनस का बन जाएगा माइनस थ्री एक्स बन जाएगा और ये माइनस का सामने जाएगा तो प्लस का बन जाएगा सिक्स प्लस सिक्स तो माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का तो बन गए सेवन एक्स और सामने सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व और x की वैल्यू आ गई ये अब इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है तो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा हर चीज़ चेंज हो जाती है जब साइड चेंज हो जाती है तो माइनस ट्वेल्व बाय सेवन इज योर आंसर नाउ थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज थ्री बाय थ्री एक्स प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल टू वन बाय एक्स वन बाय थ्री एक्स माइनस सेवन ये बिल्कुल वैसा है ना जैसे अभी अभी हमने तीसरा एग्जाम्पल किया था बिल्कुल वैसा ही देखिए अब हमें x x को एक साइड लेके जाना है तो 3x एक्स माइनस वन बाय थ्री क्योंकि ये प्लस का है तो सामने जाके माइनस का हो जाएगा ये बन गया माइनस का वन बाय थ्री और यहाँ पर माइनस सेवन ऑलरेडी है तो ये जो प्लस थ्री बाय टू है सामने जाके माइनस का थ्री बाय टू बन जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला है तो इसको भी फ्रैक्शन वाला बनाओ इसको भी बनाओ अब एल्शियम लोगे वन और थ्री का एल्शियम थ्री ही होता है तो थ्री को वन से डिवाइड किया आंसर इस थ्री ऊपर हमने थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करना है बन गया नाइन एक्स अब थ्री को थ्री से डिवाइड किया वन आया तो ऊपर भी हमने वन से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब वन एक्स बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है यहाँ पर भी टू पे जाएगा तो सेवन टू जार फोर्टीन और टू वन जार टू वन पर गया तो थ्री वन जार थ्री नाइन एक्स माइनस वन एक्स एट एक्स बाय थ्री पहले से ही है और माइनस फोर्टीन माइनस थ्री माइनस सेवनटीन बाई टू क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अभी अभी आपको समझाया कि हम इधर सामने ले जाएंगे इसको तो डिवाइड होगा लेकिन साइन लगेगा मल्टीप्लाई का और इसको हम उल्टा कर देते हैं थ्री बाई एट बना देते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सेवनटीन थ्री हजार फिफ्टी वन माइनस फिफ्टी वन और टू एट हज़ार सिक्सटीन माइनस फिफ्टी वन सिक्सटीन इज योर आंसर नाउ फोर्थ क्वेश्चन टू एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर माइनस फोर एक्स प्लस फोर हम आपको क्या करना है टू एक्स तो एज इट इज रहेगा थ्री को पहले एक्स से भी मल्टीप्लाई फिर थ्री को टू से भी मल्टीप्लाई तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू दोनों सेम साइन है प्लस का बन जाएंगे ठीक है प्लस सिक्स हो जाएगा सामने एज इट इज अभी हमने रखा हुआ है अब हमें x x एक को एक तरफ रखना है तो पहले उससे पहले रखने से पहले हम इसको यहीं पर माइनस कर दें प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स तो प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बढ़ेगा लगता है तो ये बन गया वन एक्स या माइनस एक्स प्लस सिक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर ये एज इट इज है अब इसको भी आप सामने ले जाओ यहाँ पर तो माइनस का एक्स ये सामने जाके माइनस वाला प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का साइन सामने जाके माइनस का बन जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर एक्स माइनस प्लस माइनस होता है साइन बड़े का लगता है तो चार में से एक एक्स गया तीन एक्स और साइन बड़े का लगा तो प्लस का बन गया ये और सामने फिर वही वाली बात जो अभी समझाया था माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का तो माइनस टू आ गया तो एक्स की वैल्यू जब निकालनी है तो ये सामने जाके इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा एक्स की वैल्यू बन गई माइनस टू बाई थ्री इज योर आंसर सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे फिफ्टी के यानी फिफ्टी थाउजेंड तक पहुंचा दीजिए बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वीअर योर मास्क क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है और कोरोना की वैक्सीन जरूर लगाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच